Hello and welcome, friends. In this video, we are going to learn about the new unit of 12th NCRT Biology, which is Biotechnology. In this unit, we are going to learn two chapters chapter number 11, Biotechnology Principles and Processes, chapter number 12, Biotechnology and its Application. In this introductory lecture, we are going to understand what is biotechnology, and the introduction about this unit is given in our book. में ये बताया है कि सेवनटीन सेंचुरी में रेने डिकिड्स नाम जो हो के जो साइंटिस्ट होके गए हैं वो मैथमेटिशियन थे फ्रेंच फिलोसोफर थे बायोलॉजिस्ट थे और तभी जो वर्क रिसर्च वर्क जो भी साइंस फील्ड में होता था वो मैक्सिमम इस इन चीजों के लिए होता था कि जो ह्यूमन कंफर्ट हो उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए या फिर जो नॉलेज हो वो पूरा जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूज किया जा जाता था जो जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको कंफर्टेबली सभी चीजें अवेलेबल हो सब टेक्नोलॉजीज यूज कर सके यही बताने के लिए हमारे बुक में जो है एक सेंटेंस दिया गया है द होल एप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल फिनोमिना बिनकोम एंथ्रोपोसेंट्रिक एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब यही होता है कि जो ह्यूमन होते हैं उनको ही फोकस्ड करके उनको ही सेंटर रख के जो सारी चीजें होती है वो की जाती थी सारा रिसर्च जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वो सारा जो है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होता था फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर जो भी वर्क साइंस से रिलेटेड होता था वो सारा जो होता था वो टेक्नोलॉजी के अंदर ही यूज़ किया जाता था की जो लोग हैं ह्यूमंस हैं दे कैन गिव मोर एंड मोर कंफर्ट फॉर देयर लाइफ स्टाइल जो बायोलॉजिकल रिसर्च होता था वो मैक्सिमम रिलेटेड फूड के रिलेटेड प्लांट के रिलेटेड यही तक वो सीमित था स्टडी बट ट्वेंटी सेंचुरी में मॉडर्न बायोलॉजी की स्टडी करना स्टार्ट किया जैसे कि हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं इसके वजह से जो मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर रिसर्च होने लगा वो हमारे जो डेली प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम डेली यूज करते हैं उस फूड प्रोडक्ट के अंदर हमें क्वालिटी क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलने लगे हेल्थ से रिलेटेड क्वालिटी प्रोडक्ट्स फूड के अंदर हमें मिलने लगे तो यही थी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की कंसेप्ट तो ये सारे जो प्रोसेस फूड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की जो यूज की जाती है तो ये किस तरीके से कौन सी कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है तो फर्स्ट जो चैप्टर हमारा इलेवेंथ चैप्टर होगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस इसके अंदर हम सारी जो एप्लीकेशन है मतलब जो बायोलॉजी का अप्लाइड फॉर्म है वो हम देखने वाले हैं कि बायोलॉजी का जो रिसर्च यूज है वो किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं फूड पे अदर प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स पर जिसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रोसेस के बारे में पता चले तो यही सब कुछ है चैप्टर इलेवन के अंदर और उसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ये ट्वेल्थ चैप्टर में हमें बताया गया है तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट इसके बाद जो है जो रिसर्च नेक्स्ट पेज पे हमें मिलता है साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन तो दिस साइंटिस्ट इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन ऑल्सो आस्क इन दिस पार्ट ऑल्सो सो यू ऑल्सो हैव टू फोकस इन दिस पॉइंट ऑल्सो सो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर दिस पोर्शन ऑफ द साइंटिस्ट इंट्रोडक्शन साइंटिस्ट नेम है हार्बर्ट बॉवर जो कि 1936 में बॉर्न हुए थे और ये जो है साइंटिस्ट ये बहुत ही ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है बायोटेक्नोलॉजी के लिए इसे अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे वो और आ, उसी की तरह उनका जो कंट्रीब्यूशन है एज एंटरप्रिन भी बहुत ज्यादा है मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है लोगों में इसका नॉलेज देने की कोशिश की है तो उनका जो जन्म है वो पेंसिल्वेनिया में हुआ था जहाँ की रोल रेड्स और माइंस में ही ज्यादातर काम किया जाता है ज्यादातर जो यंग uh, uh, बच्चे होते हैं या फिर यंग लोग होते हैं वही पे जाके काम करना शुरू कर देते हैं तो इस तरीके के एनवायरमेंट में उनका जन्म हुआ फिर भी उन्होंने उनका ग्रेजुएशन का स्टडी किया पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से उसके बाद में उन्होंने तीन ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया येल में ये स्टडीज कंप्लीट करने के बाद 1966 में उन्होंने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ज्वाइन की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सैन फ्रांसिस्को एंजाइम्स को लेके वर्क किया इस कोलाई नाम के जो बैक्टीरिया है उसको लेके जिसके अंदर बहुत सारी वेरियस प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप स्टडी करोगे ज्यादा से ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी को या फिर मॉडर्न <coughs> टेक्नोलॉजी को यू विल कम टू नो कि ई e जो होता है श्रीषिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही ज्यादातर यूज किया जाता है रिसर्च के अंदर उन्होंने ये देखा कि ये जो एंजाइम्स होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं के अंदर जो डीएनए स्टैंड होता है डीएनए स्टैंड हमको पता है वो हेरिकल स्ट्रक्चर होता है लेकिन इस स्ट्रैंड को कट करने की कैपेसिटी इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में थी और वो भी इतने स्पेसिफिक मैनर से वो कट कर सकते थे कि इन डीएनए स्ट्रैंड को जो कि स्टिकी एंड्स फॉर्म करते थे जिसकी वजह से जो होता है कि जो हमारा डिजायर्ड डीएनए स्ट्रैंड है या फिर डिजायर्ड हमारे हमको अगर कुछ उसमें डी ऐड करना हो तो वहां पर वो स्टिक हो सकता है इस तरीके के स्टिकी एंड्स वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फॉर्म कर सकते हैं जिसके वजह से उस डीएनए के अंदर हम डिजायरेबल मतलब हमें जो चाहिए वो चेंजेस हम कर सकते हैं तो ये बहुत ही मेजर जो है प्रॉपर्टी थी इसके लिए उन्होंने ई को बहुत ज्यादा से ज्यादा रिसर्च किया तो ये डिस्कवरी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रही जिसके वजह से जो फर्दर रिसर्च था बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो होने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हुई इस दौरान जो कोहिन साइंटिस्ट थे जो कि एक बायो थे अमेरिकन बायोकेमिस्ट तो उन्होंने जो है प्लाज्मेर पे वो वर्क करते थे जो अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे उसके अंदर जो स्मॉल एक रिंगलेट मतलब एक सर्कुलर पोर्शन हमें दिखता है जिसको कि हम प्लाज्मेर कहते हैं वो भी होता है डीएनए से बना हुआ तो वो क्या करते थे कि वो जो स्मॉल प्लाज्मेर का स्ट्रक्चर है उन्होंने ये तकनीक डेवलप की थी जहां से कि वो उस रिंगलेट को उस प्लाज्मे को उस सेल से बाहर निकालकर दूसरे सेल के अंदर डाल सके तो ये प्लाज्मिक जो है वो खुद भी रेप्लिकेट हो सकता है डीएनए की तरह ही उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है तो ये उनको पता था इसीलिए वो ट्राई करते थे कि ये प्लाज्मे का ट्रांसफर वो एक सेल के सेल से दूसरे सेल के अंदर कर सकते थे इसका मतलब जो है वो इस डीएनए को इंसर्ट करने की टेक्निक जानते थे तो यही टेक्निक का यूज करके बॉयर और ये जो ये दोनों भी साइंटिस्ट थे इन्होंने जो इंसर्शन की और डीएनए की वो स्प्लाइसिंग हम कर सकते हैं और स्प्लाइसिंग इसी स्प्लाइसिंग का और इंसर्शन का यूज करके रिकॉम्बिनेशन की टेक्निक उन्होंने डेवलप की जिसके अंदर वो डीएनए स्ट्रैंड को कट कर सकते थे न्यू स्ट्रैंड को वो एड ऑन कर सकते थे इसी को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं तो इस रिकॉम्बिनेशन से जो डिजायर्ड जो हमें चाहिए उस तरीके का प्रोटीन हम उस डीएनए से अराइव कर सकते हैं निकाल सकते हैं मतलब जो डीएनए होता है वो आरएनए uh, में कन्वर्ट हो सकता है और आरएनए से हमें प्रोटीन मिलता है तो ये जो सिक्वेंस था प्रोटीन बनाने का तो वो डिजायर्ड प्रोटीन हमें मिलने के लिए हम उस डीएनए के अंदर इस तरीके का रिकॉम्बिनेशन कर पाते थे जिसकी वजह से हमें अगर जो प्लांट के अंदर जो प्रोटीन चाहिए जिसकी मात्रा जितनी चाहिए वो उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते थे हम ये मैनिपुलेशंस कर सकते थे यही बेस था फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स के अंदर ही रिसर्च ज़्यादा हुआ उसके बाद में अब हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वेरियस स्टडीज होती हैं वेरियस टेक्निक्स यूज किए जाते हैं डीएनए uh, का जो है पीसीआर कर सकते हैं हम उसी की तरह टेस्ट ट्यूब बेबी जो अलग अलग टेक्निक्स हैं ह्यूमन पर भी हम यूज करते हैं तो ये रिसर्च बढ़ता गया और आज तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम फूड ही नहीं तो सारे इस सारे चीजों में हम उसका यूज करते हैं लेकिन इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें बताया है कि कौन से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी किया था बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड उन्होंने जो बेस क्रिएट किया था बायोटेक्नोलॉजी का कैसे हो सकता है वो ये दो साइंटिस्ट यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन में दिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका टास्क था दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी यूनिट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वील गोइंग टू स्टडी अबाउट द चैप्टर नंबर इलेवन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस थैंक यू सो